हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोण पढ़ाया था, कोण, और कोण के बारे में बहुत डिटेल जानकारी दिया था। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हम बोले थे आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे हम लोग, है ना, अगले लेक्चर में। तो आ रहे हम लोग लेकर के त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बहुत सारे होंगे, तो रेशियोस त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिखे या रेशियोस लिखो, क्योंकि रेशियो जो होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल वो 6 होते हैं। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन आपको याद है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेट थीटा। लेकिन एक बात दिमाग में सेट रखो कि यहां पर हम बहुत ही अच्छे तरह से उस स्टाइल में बताने जा रहे हैं कि हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बहुत नया नया चीज आप सीखेंगे। आइए देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन ये याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेट थीटा, कोसेक थीटा तब लगाया जाता है जब त्रिभुज समकोण हो, जब त्रिभुज समकोण हो, यानी समकोण त्रिभुज में हम लोग लेके चलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का बात करते हैं। तो त्रिकोणमितीय, आराम से नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाइए और देखिए, एकदम मजा आने वाला है, है ना। बस ध्यान से सुनते रहो। टेंथ के बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं, इलेवेंथ में आ चुके हैं, उनके लिए पढ़ाने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और जब भी बोलो कि लिख लो, जब भी हम बोले कि लिख लिया करो, तो वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, ठीक है ना। तो आइए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस, त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः, त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 हैं, 6 हैं, जो साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा कॉमा टेन थीटा कॉमा साइन कॉस टेन कॉट थीटा कॉमा सेक थीटा तथा कॉसेक थीटा है। ध्यान देना बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 है। एकदम आराम से पढ़ा रहे, धीरे धीरे। अगर स्पीड आपको कम लगे तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 है, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तथा कॉसेक थीटा है। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लिए जाते हैं। ये सब बात बेसिक बेसिक क्लियर रखना होगा कि त्रिभुज जब समकोण हो तब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का बात करते हैं। माइंड इट, पहला पॉइंट ये कि त्रिकोणमितीय अनुपात तब प्रयोग में लाए जाते हैं जब त्रिभुज कैसा हो, समकोण हो। ये बात क्लियर हो गया? ओके, तो जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी। त्रिकोणमितीय अनुपात कब? जब त्रिभुज समकोण हो। तो देखिए, त्रिभुज बना रहे हैं, एक कोण समकोण होना चाहिए, ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो 90 डिग्री वाला कोण के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है, हाइपोटेन्यूस। यह कर्ण जिसको एच से सूचित करते हैं, कोण के सामने वाला लंब जिसको परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जो बच गया भुजा उसको कहते हैं आधार, जिसको बेस कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेन्यूस
एच से, परपेंडिकुलर ई से और बेस बी से। तो ये है आधार, ये है लंब, ये है कर्ण। 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जो कोण है उसके सामने लंब होता है, और जो बाकी बच गया भुजा वो आधार होता है। ये कहो या कोण जो बनता है वो आधार और कर्ण के बीच बनता है। माइंड इट, क्योंकि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो जो कोण बनता है वो कर्ण और आधार के बीच बनता है। बोलो, एकदम आराम से समझा रहे बच्चे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम लेके चल रहे, और सीखिए मजा आएगा। तो नाम दे देते हैं ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिस कोण को लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ये 90 डिग्री कोण है, तो 90 के सामने वाला कर्ण है, तो आइए लेके चलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा आप 10th में पढ़े हैं, लेकिन इसके बाद का जो आज मतलब तुम साइन 90 तक कुछ भी निकालते थे कोण, तो 90 तक मान निकालते थे, है ना। लेकिन अब हम वैसा मान निकालने जा रहे हैं जो 90 के आगे है, जो तुरंत स्केलर एंड वेक्टर पढ़ोगे, सदिश सदिश चैप्टर पढ़ोगे, दूसरा चैप्टर। तो पहले तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो फिजिक्स के बारे में, उसके बाद मात्रक नियमा जो पहले चैप्टर के रूप में जाना जाता है, और दूसरा चैप्टर सदिश सदिश, उसमें हम लोग जब कॉस थीटा का यूज करेंगे, जब हम दो सदिशों का परिणामी सदिश का मान निकालेंगे, तो वहां पर कोण का यूज तुरंत आएगा, कॉस 120 डिग्री का मान फंस जाओगे। लेकिन आज जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, उससे पूरा का पूरा एकदम पानी पानी हो जाएगा। बस ध्यान से सुनते रहना बच्चों। देखा जाए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ये सब तो याद होगा अच्छे से, यानी लंब है बी सी और कर्ण है ए सी। तो बी सी मतलब लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब बी कर्ण एच। इसी तरह से डायरेक्ट आप लिख लेंगे तो याद होगा आपको सब, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बाई एच। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, यानी बी बाई बी। और जस्ट इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा। तो क्या हम लिख दे बच्चों, कॉसेक थीटा यहीं से आ जाएगा जस्ट उल्टा, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का अगर हम लोग बात करें, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। फिर हम लोग बात करेंगे ये इसका उल्टा, इसका उल्टा कौन, तो कॉस का उल्टा सेक होता है रे बाबा। तो सेक थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक थीटा, कर्ण बटा आधार। बोलो। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। ओहो, अरे बोलो, ये सब तो क्लियर हो गया एकदम अच्छे से बच्चों, कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ओके, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, अरे बोलो, और कॉसेक थीटा तो जस्ट इसका उल्टा, देखो उल्टा पलट गया, ये ऊपर ये नीचे देखो, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा तो कॉस का उल्टा, कॉस आधार बटा कर्ण, तो सेक कर्ण बटा आधार, और टेन का उल्टा लंब बटा आधार है टेन, तो आधार बटा लंब हो जाएगा कॉट। ये सब बात आपको पता है, है ना। तो इन सभी का अगर हम लोग बात करें, जल्दी से बेसिक बात है, पहले लिख लीजिए, हम जिस चीज पे आने वाले हैं वो तुरंत आ रहे हैं उस पे, ये सब बात आपको पता है, लेकिन एक बार फिर से हम याद दिला दिए, जल्दी से लिखा जाए, जल्दी।
ऑस्कर के लिए लेना बच्चों। अब देखिए एकदम दिमाग में सेट रखना है, आ रहे हैं उस दुनिया में जिस दुनिया में हमें आना था। यह है प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद। ये एक्स मान लेते हैं आज, तो इधर एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई है तो वाई डैश हो जाएगा, मान लेते हैं। अब देखो प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव होता है, सबका प्रूफ बताएंगे प्रूफ के साथ। तो प्रथम पाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ऑल प्लस भी मतलब पॉजिटिव, मतलब सब धनात्मक, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा सब धनात्मक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब धनात्मक, ठीक है ना। द्वितीय पाद में ये ऑल पॉजिटिव हो गया, इसमें सिर्फ होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, कॉसेक थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दिया, प्लस भी लिखेंगे तो समझ आएंगे ना, प्लस भी मतलब पॉजिटिव, साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी निगेटिव चारों, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव। ध्यान देना, ध्यान देना, ये बात तो आपको हम बताए थे कि घड़ी पिछले लेक्चर में कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मापा गया कोण धनात्मक और घड़ी के सुई के दिशा में मापा गया कोण ऋणात्मक होता है। ये बात हमने आपको बताया कि नहीं बताया, बोलो बोलो जल्दी। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में देखो एंटी क्लॉक बाहर प्लस, क्लॉक अंदर तो माइनस, सेंस बताए थे और बहुत अच्छे से आपको समझा करके हम ये बात क्लियर किए थे। अरे बोलो, तो बताओ बच्चों कि प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव, ये है द्वितीय पाद जिसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये है तृतीय पाद जिसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये है चतुर्थ पाद जिसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो बताइए बच्चों प्रथम पाद में सब धनात्मक, मतलब साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सब धनात्मक, द्वितीय पाद में साइन और कॉसेक धनात्मक, तृतीय पाद में टेन कॉट धनात्मक, और चतुर्थ पाद में कॉस और सेक धनात्मक। यानी कहने का मतलब सुनिएगा ध्यान से, इसमें ऑल पॉजिटिव है मतलब क्या कि इसमें सब धनात्मक होगा, यानी साइन कॉस टेन कॉट से साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सब, लेकिन इसमें साइन और कॉसेक धनात्मक होगा बाकी चारों ऋणात्मक होगा, मतलब बाकी चारों क्या बचा टेन कॉट से कॉसेक, सॉरी टेन कॉट और कॉस और सेक, ये साइन और कॉसेक को छोड़कर के चार कौन बचा, तो टेन बचा, कॉट बचा, सेक बचा और कॉस बचा, यानी ये चारों ऋणात्मक होगा। इसमें कैसे प्रूफ के साथ बता रहे हैं, इसमें टेन कॉट धनात्मक तो बाकी चारों ऋणात्मक, यानी साइन कॉस सेक और कॉसेक, इसमें कॉस और सेक धनात्मक तो बाकी चारों ऋणात्मक, मतलब टेन कॉट साइन और कॉसेक, समझ आ गया होगा। मतलब कि इसमें सब धनात्मक लेकिन इसमें दो ठो को छोड़ के सब ऋणात्मक, यानी ये दोनों धनात्मक बाकी चारों ऋणात्मक, ये दोनों धनात्मक बाकी चारों ऋणात्मक, ये दोनों धनात्मक बाकी चारों ऋणात्मक। क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो देखा जाए नेक्स्ट। ये बात याद रखना है, साइड बना देंगे जिसका यूज आएगा अभी उसको बना देंगे, लेकिन एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, सब धनात्मक कैसे थोड़ा सा हम प्रूफ करके देख लेते हैं। बोलो जिसके बारे में बोलो, किसी एक पाद में, किसी एक पाद में बोलोगे उसमें हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि किसी एक को चेक कर लेंगे बस पूरा क्लियर हो जाएगा, किसी में भी उठा लो है ना, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, किसी क्वाड्रेंट में, चलो मैं ट्रेंड हाथ रखते हैं, इस पे गया तीन पे गया, तीन में देख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं है ना, यानी टेन कॉट पॉजिटिव आना चाहिए बाकी निगेटिव आना चाहिए, आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, चलो उसका पहले प्रूफ करते हैं। तो चलिए मिटाते हैं, जल्दी लिख लीजिए इसको, सीखो डिटेल में, बस हम यही चाहते हैं, थोड़ा टाइम लगे तो लगे लेकिन डिटेल में सीखो। चलो तृतीय पाद का बात करते हैं, कर्ण तो आपको याद होगा,
एच पी बी थीटा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलो तो कर्ण जो आएगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आएगा, यानी ये तो हमेशा धनात्मक होता है, रूट कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, है ना। वहां पे चिन्ह लगा हुआ रहता है प्लस या माइनस, तब जैसे एक्स स्क्वायर बराबर फोर तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट फोर, यानी ये पॉजिटिव है, याद रखना, इससे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये पॉजिटिव है हमेशा पॉजिटिव, लेकिन रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन प्लस के साथ आएगा तो प्लस में होगा और माइनस के साथ आएगा तो माइनस में होगा। बोलो बोलो, यानी कहने का मतलब बच्चों कि रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, अब देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, सो देखो यहां से चलते हैं लेकर के, यहां थीटा मान लेते हैं। देखो ध्यान देना, इसमें इस क्वाड्रेंट में इस पाद में टैन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होता है और बाकी चारों ऋणात्मक होता है। तो चलो देखते हैं टैन थीटा को एक बार लेके देख लेते हैं और एक बार उन चारों में से कोई एक को, बढ़िया रहेगा ना। पहले तो आपको प्रूफ करके दिखा देंगे दो तीन, तो आपको विश्वास हो जाएगा, फिर ट्रिक बताएंगे एकदम, ट्रिक से तुरंत पानी पानी हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों ध्यान देना कैसे प्रूफ, ही ना कि बस हम याद कर लिए, सर हमको याद है, हम रट गए कि टैन थीटा कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव होता है बाकी निगेटिव हो गया, नहीं, रीजन के साथ पढ़ो कि वाई। ओके तो चलिए टेन थीटा लेके चलते हैं। अच्छा आगे प्लस है पी बेस आधार और पीछे माइनस होगा बेस, ऊपर प्लस में होगा लंब और नीचे माइनस में होगा लंब। बोलो बोलो जल्दी बोलो, आगे में आधार प्लस में, पीछे में माइनस में, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, तो बताइए नीचे माइनस में होगा लंब। बोलो तो बताइए टेन थीटा लेके देख लेते हैं, टेन थीटा ध्यान देना एकदम शॉर्ट में तुरंत प्रूफ हो गया, टेन थीटा लंब बटा आधार माइनस पी बटा माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया आ गया प्लस में, यानी टेन थीटा धनात्मक होता है। अरे माइनस से माइनस कट गया यानी प्लस में आ गया, अरे बोलो यानी कहने का मतलब बच्चों कि यहां से अगर हम टेन थीटा लेके चले तो लंब बटा आधार, लंब भी माइनस में है आधार भी माइनस में है, माइनस माइनस कट के प्लस आता है कि नहीं आता है, यानी टेन थीटा धनात्मक है कि नहीं है, है। लेकिन अगर इस दोनों को छोड़ के चारों में से कोई एक ले लो, जैसे साइन थीटा ले लो, साइन थीटा तो याद करो लंब बटा कर्ण होता है, एच हमेशा धनात्मक, देखिए क्योंकि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बताइए बच्चों कि यहां से क्या गया, ध्यान देना रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब माइनस में है और कर्ण प्लस में है, तो माइनस बटा प्लस निगेटिव है ना, और ये पॉजिटिव है या माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव। अरे वाह सर तुरंत शॉर्ट में प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है। टेन थीटा लंब बटा आधार आया कि नहीं आया, तो टेन थीटा लंब बटा आधार आया, यानी इसी तरह से सब में प्रूफ हो जाएगा, आप करके देखिए घर में बैठ करके क्लियर हो जाएगा तुरंत, और किसी में भी तुम प्रूफ कर सकते हो कि हाँ सर सच में आ रहा है, वही आ रहा है जो यहाँ लिखवाया गया है कि इसमें सब धनात्मक होता है, इसमें साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, इसमें टेन कॉट धनात्मक होता है, इसमें कॉसेक धनात्मक होता है, बाकी चारों ऋणात्मक, यानी इसमें साइन कॉसेक धनात्मक, तो टेन कॉट सेक और कॉस चारों ऋणात्मक, टेन कॉट सेक कॉस चारों ऋणात्मक, यानी इसमें दो धनात्मक बाकी चारों ऋणात्मक, इसमें दो धनात्मक बाकी चारों ऋणात्मक। जरा सा देखिए, अगर टेन धनात्मक है तो कॉट भी धनात्मक होगा क्योंकि इसका उल्टा होता है, टेन धनात्मक तो कॉट भी धनात्मक, कॉट लेके चलते हैं तो माइनस बी वाई माइनस पी आता, कट के प्लस आता। बोलो करके देखो मजा आएगा, पहले यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, उसके बाद आप कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, पानी पानी हो जाएगा। ओके तो बताओ ध्यान देना, लास्ट रिपीटेशन, टेन थीटा लंब बटा आधार आया माइनस से माइनस कट के प्लस, लेकिन साइन थीटा लंब बटा कर्ण और कर्ण हमेशा धनात्मक क्योंकि रूट इज ऑलवेज
पॉजिटिव, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट हमेशा धनात्मक होता है। तो बताओ बच्चों, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब माइनस पी और कर्ण प्लस एच, तो माइनस बटा प्लस बराबर माइनस, यानी साइन थीटा इसमें निगेटिव आया, टैन थीटा पॉजिटिव आया, सही तो है। यानी टैन और कॉट धनात्मक होता है और बाकी चारों तुम निकाल के देख लो ऋणात्मक होता है। कोई और ले लो, सेक ले लो, चलो सेक ले लेते हैं। के बारे में सेक का बात कर लेते हैं, सेक थीटा, तो बताइए सेक थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण एच प्लस में और आधार माइनस बी। अरे कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार, ऐसे याद रखो ना। तो बताओ कर्ण प्लस में और आधार माइनस में, तो प्लस बटा माइनस, तो क्या गया, माइनस आ गया, यानी सेक थीटा भी निगेटिव होगा कि नहीं होगा, यानी इसमें टैन थीटा कॉट थीटा धनात्मक होगा, बाकी चारों ऋणात्मक होगा। इसमें टैन थीटा कॉट थीटा धनात्मक होगा, बाकी चारों ऋणात्मक होगा। उसी तरह से सब में करके आप देखिए, क्लियर हो जाएगा। हम बशर्ते कि कर्ण इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, कर्ण हमेशा धनात्मक क्योंकि रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद हो गया, क्लियर हो गया। तो चलिए बस ऐसे ही लिख लीजिए रफ स्केच, ले शॉर्ट में प्रूफ कर दिए बच्चों। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो रट करके कितना पढ़ोगे, भूल जाओगे, है ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो एक बात बताने जा रहे हैं आपको, दो ठोको प्रूफ करेंगे, बाकी तो आप वैसे ही प्रूफ कर लेंगे। जीरो, नब्बे, 180, 270, 360, देखना महाभारत शुरू होने वाला है। जीरो, नब्बे, 180, 270, 360, हम जीरो भी लेके चल दी है ना। तो देखिएगा थोड़ा सा इधर लिखते हैं क्योंकि चेंज और नो चेंज लिखना है हमको। जीरो, नब्बे, 180, 270, 360। तो देखिए जीरो सम संख्या है, जीरो को हटा दीजिए इधर से, इसको भी जीरो जीरो लिख सकते हैं, लेकिन जीरो हटाइएगा तो बस समझिए कि ये विषम संख्या नौ है, ये 18 सम संख्या है, 27 विषम संख्या है और 36 सम संख्या है। तो जीरो सम संख्या, ये बता रहे कैसे, तो ये सब में नो चेंज। अगर परिस्थिति आपका सम हो तो नो टेंशन, नो चेंज, नो चेंज। और नो चेंज का मतलब क्या है, समझा रहे हैं, परिस्थिति सम हो तो नो चेंज और विषम हो परिस्थितियां तो चेंज ही चेंज, बहुत ही बर्बादी आ जाता है, चेंज बदलाव होगा। अगर सम संख्या रहेगा, जीरो को हटा के बात कर रहे हैं बाबू, जीरो को हटा के, नहीं तो सब समय संख्या है, 90, 180, 270, 360 सम संख्या, लेकिन हम वो नहीं, जीरो को हटा करके, ट्रिक है ये, ट्रिक जिससे आप कितना का भी एक मान निकाल सकते हैं। हाँ वो रहना चाहिए जीरो के रूप में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के रूप में रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको आगे 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 फॉर्मूला आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित जो फॉर्मूला आएगा है ना, वो जब हम आपको बताएंगे तो उस समय आपको ये बात क्लियर करेंगे अच्छे से, है ना, कि कोई भी मान तो निकाल ही लोगे, है ना। ऐसा नहीं टेंशन लेना है कि सर आराम से 15 डिग्री का भी मान निकलेगा, साइन 15 डिग्री का भी, वो भी निकलेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए तो पूरा का पूरा क्लियर, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों कि 0, 180, 360, यानी कि ऐसे सोचो 0, 18, 36, 0 हटा के सोच रहे हैं, माइंड इट, 0 हटा के सोच रहे हैं, 0, 18, 36 सम संख्या, तो नो चेंज, सम परिस्थिति नो चेंज, और 90, 270 यानी 0 हटा के बात करो, 9, 27 यानी कि विषम यानी चेंज। क्या मतलब है इसका, प्रूफ के साथ भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे, तो प्रूफ वाला और ट्रिक वाला सेम आ जाएगा तो विश्वास हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ध्यान देना, आते हैं लोग जीरो सम संख्या कैसे है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दो विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होता है, तो माइनस एक विषम और एक
जीरो एक जीरो माइनस एक, पीछे माइनस होगा तो दो विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होता है। देखो एक और तीन के बीच में दो है सम संख्या, माइनस एक पूर्णांक संख्या का मैं बात कर रहा हूं, इंटीग्रल नंबर पूर्णांक संख्या, तो दो विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या है कि नहीं है, तो दो विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होता है, दो विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होता है। चलो एक बात तो हो गया, हो गया। और मान लिया जाए कि ये है 11, 12, 13, तो ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो ये सम संख्या है। मतलब जिसके बाद में जिस नंबर में लगा हुआ है जीरो या टू, तो ये सम संख्या है, तो ये जीरो लगा हुआ है ये भी सम संख्या है। अरे बोलो, यानी कहने का मतलब देखो, 14 भी सम संख्या, 12 भी सम संख्या, तो 10 भी सम संख्या, यानी जीरो सम संख्या को दर्शाता है। ये भी ट्रिक हो गया। अरे वाह, अरे वाह, यानी सम संख्या है जीरो, अब हमको पता चल गया। यानी कि जीरो रहे या 18 रहे या 36 रहे, जीरो को हटा के बात कर रहे हैं, जीरो को हटा के लो यहाँ जीरो लिखेंगे, जीरो जीरो, जीरो को जीरो जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो जीरो। यानी कहने का मतलब बच्चों कि सोचो सोचो आराम से एकदम वीडियो को देखना, पूरा का पूरा पानी पानी, ठीक है ना। तो बताइए कि जीरो रहे या 18 रहे या 36 रहे तो नो चेंज, और 9 या 27 रहे तो चेंज। जीरो को हटा के बात कर रहे हैं, जीरो रहे 18 रहे 36 रहे, क्योंकि जीरो सम संख्या है, अभी तुरंत क्लियर किए, तो जीरो सम संख्या, 18 सम संख्या, 36 सम संख्या, सम संख्या में नो चेंज और विषम संख्या में 9 और 27 में चेंज। ये एकदम ट्रिक बन गया, आपको याद रखना है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, दो टो प्रूफ करेंगे बस, बाकी तो ट्रिक से ही, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिक इतना अच्छा है ना, ट्रिक से ही हमेशा के लिए याद रखना, लेकिन फिर भी आपको हम प्रूफ करके दो ठो दिखा देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब बार बार सबको प्रूफ क्या करें, टाइम वेस्ट होगा, बिना मतलब का, बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा, दो प्रूफ करके विश्वास दिला देंगे बाकी सब। अरे वाह, तो देखो बच्चों साइन, आइए टाइप वन पे हम चलते हैं, टाइप वन। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, तो पहला नंबर साइन थीटा, पहला का ए, फर्स्ट का ए, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, एक बात और यूज में आएगा, ये बात भी हम आपको बता दिए हैं पिछले लेक्चर में, कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मापा गया कोण धनात्मक, ये एंटी क्लॉक है तो धनात्मक, और घड़ी के सुई की दिशा में मापा गया कोण ऋणात्मक होता है। ओके, तो ये हो गया एंटी क्लॉक, वाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, और क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के सुई की दिशा में। देख रहे बच्चों क्या लिखा हुआ है, पढ़ दे रहे हैं, ANTICLOCK एंटी क्लॉक, WACY DIRECTION डायरेक्शन, वैसे ही क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल निगेटिव। क्या मैंने ये बात आपको बोला है कि नहीं बोला है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, यानी एंटी क्लॉक में पॉजिटिव, एंटी क्लॉक बाहर सेंस पॉजिटिव, क्लॉक अंदर सेंस निगेटिव। अभी भी डाउट है क्या, क्लियर हुआ, यानी कि एंटी क्लॉक में पॉजिटिव, क्लॉक में निगेटिव, ये बात हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसिक माइनस थीटा, पूरा क्लियर करते चलते हैं बच्चों, अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, पूरा का पूरा पानी पानी हो जाएगा, ध्यान दीजिए। बताइए यहां पर पहले तो ट्रिक से चल रहे हैं, फिर प्रूफ कर देते हैं, याद रखना है, लिख देते हैं यहीं पे, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव,
इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। देखो ना एकदम बार बार कह रहे हैं, बस ध्यान से सुनते रहिए, मजा आएगा। जीरो अठारह और छत्तीस, जीरो को हटा के बात करो, जीरो को हटा के बात करो तो जीरो अठारह छत्तीस में नौ चेंज, और नौ और सताइस में चेंज। जीरो अठारह छत्तीस में नौ चेंज और नौ और सताइस में चेंज। ये ट्रिक है, लेकिन प्रूफ भी करेंगे और ट्रिक से भी लाएंगे, दोनों सेम आ जाएगा, विश्वास हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा, पहले ये बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन जीरो डिग्री माइनस थीटा, आराम से लिख सकते हैं, कॉस जीरो माइनस थीटा, टेन जीरो माइनस थीटा, कॉट जीरो माइनस थीटा, सेक जीरो माइनस थीटा, कॉसेक जीरो माइनस थीटा। ओहो, कहानी खत्म। देखिए बाबू, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो तो हो, लेकिन आप अच्छे से सीखिए बस, और कुछ नहीं कहेंगे हम। पहले तो प्रूफ करेंगे, दो ठो प्रूफ कर देंगे तो विश्वास हो जाएगा कि बाकी ऐसे ही प्रूफ होगा। अरे बोलो, तो बताओ बच्चों, जीरो जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या, बोलिए। तो अब बताइए, साइन माइनस थीटा, तो साइन जीरो माइनस थीटा, अब जीरो तो नो चेंज, जीरो तो नो चेंज होगा, चेंज बोलो, नो चेंज, यानी जीरो में नो चेंज, यानी साइन है तो साइन रह जाएगा। अच्छा चलो, पहले हम ये देखते हैं कि माइनस थीटा है ना, पहले माइनस थीटा को थोड़ा सा देख लो। माइनस थीटा को दो बार ध्यान में देना है, जीरो को ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखना है। तो बताइए, साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, किस पाद में, तो माइनस थीटा है चतुर्थ पाद में। अरे बोलो बोलो, यानी माइनस थीटा है चतुर्थ पाद में। तो बताइए, चतुर्थ पाद में कौन कौन धनात्मक, तो कॉस और सेक, दो बात पर सिर्फ ध्यान रखना है। अरे आगे और देखो ना, दो बात पर सिर्फ ध्यान रखना है, कॉस और सेक का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो माइनस थीटा वाला में कॉस और सेक, माइनस थीटा मतलब चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद में कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी कॉस इसको देखना, इसको या इसको इधर देखना, एलएचएस में पहले गेहूं डालेंगे तब ना आटा निकलेगा, तो पहले इनपुट देखेंगे तब ना आउटपुट देखेंगे, पहले गेहूं तब आटा, तो पहले इनपुट तब आउटपुट, ना कि आउटपुट देख लेना लगना, नहीं, पहले हम लोग देखेंगे इनपुट साइड, यानी कि इधर। तो बताइए, माइनस है माइनस थीटा, यानी चतुर्थ पाद, और जब माइनस थीटा है बच्चों, तो चतुर्थ पाद में कौन कौन धनात्मक, तो कॉस और सेक, यानी कॉस वाला धनात्मक होगा और सेक वाला धनात्मक होगा, और बाकी चारों ऋणात्मक हो गया। और जीरो में नो चेंज, जीरो में नो चेंज, यानी साइन है तो साइन रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, टेन है तो टेन ही, कॉट है तो कॉट ही, सेक है तो सेक ही, और कॉसेक है तो कॉसेक ही। अब इस ऑर्डर में प्रूव करते चलेंगे यार, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, ध्यान दो, कोई एक प्रूफ कर देंगे, जो कहिएगा सो प्रूफ कर देंगे, है ना। देखिएगा, इस पाद में ध्यान देना, दो बात बस ध्यान रखना है, दो बात, कि जीरो रहे, अठारह रहे, छत्तीस रहे तो नो चेंज, और नौ और सताइस रहे तो चेंज। बोलो, नौ सताइस तो चेंज, जीरो अठारह छत्तीस तो नो चेंज, याद हो गया। अब देखो, अरे सम परिस्थिति कोई परिवर्तन नहीं, विषम परिस्थिति बर्बादी आएगा, है ना, तो ऐसे याद रखना। अब बताओ, माइनस है तो चतुर्थ पाद में, चतुर्थ पाद में कॉस और सेक पॉजिटिव, इधर देखना, उस साइड मत देखना, कॉस और सेक पॉजिटिव इधर देखना, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव, और जीरो है तो नो चेंज, जीरो है तो नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस तो कॉस, टेन तो टेन, कॉट तो कॉट, सेक तो सेक, और कॉसिक तो कॉसिक। कोई एक प्रूफ कर लेते हैं, तो चतुर्थ पाद में कॉस और सेक प्लस आएगा, लेकिन बाकी चारों निगेटिव आएगा,
है ना। तो देख लेते हैं कि कोई भी एक बोलो, आप कोई भी करके देख सकते हैं, एकदम तुरंत आ जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं कोई एक को, जल्दी निकले इसको, जल्दी तुरंत सोचो ना यार, अभी देखो ना, अभी आज खाली देखते रहो तुम लोग, पता चल जाएगा कि कितना अच्छे से हमको क्लियर हो रहा है बस, और कुछ नहीं कहेंगे हम, ध्यान देना। चलो हम किसी एक को प्रूफ करते हैं, चलो दोनों को प्रूफ कर लेते हैं, एक प्लस वाला को एक माइनस वाला को। माइनस थीटा इसमें है और प्लस थीटा इसमें है, ऊपर प्लस में लंब होगा, नीचे माइनस में लंब होगा। ओ मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इधर प्लस थीटा होगा, होगा तो चलिए यहां लेके चलते हैं। कर्ण तो दोनों में प्लस होगा, कर्ण इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी तुरंत हम बताए थे h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले कि नहीं बोले, बोले कि नहीं बोले। तो बताओ साइन थीटा लेके चलते हैं तो लंब बटा कर्ण पी बाई एच प्लस में है, और साइन माइनस थीटा लेके चलते हैं जिसमें तो लंब बटा में कर्ण, यानी अच्छा लंब है ना पी पी। देखो ध्यान देना, यहां पे प्लस ऊपर लंब होगा, नीचे माइनस लंब होगा, कर्ण तो प्लस में होगा पता है। तो बताइए साइन माइनस थीटा तो लंब बटा कर्ण माइनस पी बटा एच। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस बाहर कर दो प्लस पी बाई एच, क्योंकि माइनस से गुना करोगे प्लस में तो माइनस ही आएगा। अब बताओ इसका मान इतना रख दें तो आ गया साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो, क्लियर हुआ हुआ क्लियर, ध्यान देना ना। अभी एक और बता रहे हैं, तुरंत एक और बता रहे हैं। देखो साइन थीटा एंटी क्लॉक में प्लस एंगल और क्लॉक में माइनस, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में प्लस, घड़ी के सुई के दिशा में माइनस, तो चतुर्थ पाद में कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में होना चाहिए पॉजिटिव, और बाकी चारों नेगेटिव। तो क्या क्या यहां से ये प्रूफ हुआ, उस ट्रिक से भी बनाए थे तो वही आया, और प्रूफ किए तो भी वही आया, साइन थीटा लंब बटा कर्ण आया, और साइन माइनस थीटा माइनस पी बाई एच। तो देखो माइनस पी बाई एच, अरे बोलो बोलो, साइन प्लस थीटा लंब बटा कर्ण सही है, साइन माइनस थीटा लंब बटा कर्ण सही है, माइनस बाहर तो प्लस पी बाई एच, यानी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी प्लस पी बाई एच को लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी आ गया साइन माइनस थीटा बराबर माइनस इसका मान साइन थीटा। आया कि नहीं आया वही, लेकिन कॉस वाला देख लेते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा कैसे। जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी जल्दी, क्लियर हो रहा होगा एकदम अच्छे से। इस त्रिभुज में चलेंगे समकोण त्रिभुज में तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, इस त्रिभुज में तो साइन थीटा माइनस पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण। चलो जल्दी एकदम अच्छे से क्लियर करते जाइए बच्चों, ध्यान से समझते जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब। चलिए कॉस वाला थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं, ध्यान देना, ये है प्लस थीटा तो ये है माइनस थीटा, बोलो। अब देखो ऊपर में प्लस पी और आधार तो दोनों में समान है बी, और ये माइनस पी, ये एच तो आपको प्लस पता ही है, तो ऊपर वाला त्रिभुज में चलेंगे कॉस थीटा लेकर के, क्योंकि ऊपर वाला में प्लस है, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण बी बाई एच, और कॉस माइनस थीटा भी लेके चलेंगे तो आधार बटा कर्ण, ओहो दोनों बराबर तो ये भी बराबर, यानी आरएचएस बराबर तो एलएचएस भी बराबर, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ओहो क्या बात है क्या बात है। फिर तो हम ट्रिक से चलेंगे ही, लेकिन पहले आपको विश्वास दिला रहे हैं कि सच में ऐसा होता है, बोलो बोलो। तो बताओ बच्चों, ध्यान देना, मजा आएगा एकदम। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण अच्छी बात है, फिर यहाँ कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कर्ण इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कर्ण हमेशा धनात्मक होता है। तो बताइए कि कर्ण कॉस थीटा आधार बटा कर्ण
और कॉस माइनस थीटा आधार बटा कर्ण, तो बताइए दोनों आर एच एस बराबर तो एल एच एस बराबर हुआ। अरे हुआ, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण अच्छी बात है, कॉस माइनस थीटा आधार बटा कर्ण सही बात है, तो एल एच एस बराबर हो जाएगा क्योंकि आर एच एस बराबर है। अब बताइए कॉस माइनस थीटा बराबर, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, विश्वास हुआ कि चतुर्थ पाद में आ रहा है और यहाँ कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी चारों निगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हो गया ना। चलो जल्दी जल्दी लिख लो जल्दी, थोड़ा टाइम लगे तो लगे लेकिन बहुत अच्छे से समझिए, पूरा क्लियर करेंगे, टाइम तो देना होगा बाबू, अच्छे टारगेट को अचीव करने के लिए ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है ना, तो उसी तरह से बहुत अच्छे से समझने के लिए अच्छा टाइम देना होगा आपको, ज्यादा टाइम देना होगा, बोलो बोलो। तो बताओ अब हम लोग लेके चलते हैं दूसरा नंबर, दूसरा नंबर ध्यान देना, टाइप टू कर दें, चलो टाइप टू। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो तो जरा सा, यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस थीटा मतलब यहां होगा साइन 90 माइनस थीटा, एक और प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी सब ट्रिक से बनाएंगे, फिर इसको भी ट्रिक से पहले बना रहे हैं तब प्रूफ करेंगे, है ना। तो चलो यहां से यहां तक 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, है ना। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान देना ध्यान देना, बताओ 90 माइनस थीटा मतलब यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा होगा यानी प्रथम पाद में होगा, और प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव होता है, अरे वाह, प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव, ध्यान दीजिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए और पूरा का पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात 100% समझिए बस। तो ध्यान दो बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस है तो प्रथम पाद में है। अब बताओ ऐसा ही सब चल रहा है, लेकिन 90 माइनस थीटा है यानी प्रथम पाद में, प्रथम पाद में सब धनात्मक होता है कि नहीं होता है, होता है, अच्छी बात है। अब देखिए 90 है, 90 है यानी 9 को ध्यान में रखना है, तो 90 और 270 वाला में चेंज होता है, चेंज होता है, यानी अब बताइए साइन का कॉस, अभी प्रूफ करेंगे, टेंशन नहीं ले रहे का, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। अब यहां पर भी एक बात में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रूफ करते हैं वैसे ही बच्चों को क्लियर हो जाता है। सर साइन जैसे टेन का कॉट हुआ, जैसे टेन का कॉट और कॉट का टेन हुआ, वैसे ही साइन का कॉसेक और कॉस का सेक न होना चाहिए था, और सेक का कॉस और कॉसेक का साइन न होना चाहिए था, नहीं, देखना क्या होता है, बस बोल तो रहे प्रूफ करके दिखा रहे हैं, पहले ट्रिक समझो, पहले ट्रिक उसके बाद प्रूफ, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, पहले ट्रिक तब प्रूफ। तो बच्चों आप ही बताइए कि जीरो हटा के हम बात कर रहे थे, तो जीरो 18 36 में 9 चेंज और 9 27 में चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बोलो हो रहा था, चलो अच्छी बात है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए 90 माइनस थीटा प्रथम पाद में है, दो बात बस याद रखना है, एक किस पाद में है और चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस दो बात याद रखना है, किस पाद में है और चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताइए किस पाद में है ये 90 माइनस थीटा प्रथम पाद में, है
है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो प्रथम पाद में है तो 90 माइनस थीटा प्रथम पाद में, यानी सब प्रथम पाद में तो धनात्मक और पॉजिटिव प्रथम पाद में होता है कि नहीं होता है, होता है। और साइन है 90 और 270 में चेंज, तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, को एक प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान देना चेंज कैसे होता है, साइन का चेंज कॉस होता है, कॉस का चेंज साइन होता है, टेन का चेंज कॉट, कॉट का चेंज टेन, सेक का चेंज कॉसेक और कॉसेक का चेंज सेक होता है। बोलो बोलो, ध्यान देना। और प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव, प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव, और 90 है तो चेंज होगा, साइन का चेंज कॉस, कॉस का चेंज साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। बस याद रखना है दो बात, याद रखना है किस पाद में है तो प्रथम पाद में तो ऑल पॉजिटिव, और 90 है तो चेंज होगा साइन का कॉस, उसी तरह से बाकी। क्लियर हो गया, जल्दी अब चलिए प्रूफ, एक को प्रूफ करेंगे इसमें, वैसे ही बाकी प्रूफ कर लेना, तुम एक को प्रूफ करते हैं, कौन करे बोलो, कौन पहला ही कर दे, कौन बोलो, सबसे नीचे वाला, कोई भी करो प्रूफ, चलो सबसे नीचे वाला ही प्रूफ कर देते हैं, सोचिएगा साहब इब्राहिम वाला सर प्रूफ करते हैं आप, बोलो ध्यान देना आराम से समझिएगा बच्चों। ये है थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्या नहीं क्लियर है, है क्लियर, क्योंकि पूरा कोण जो होता है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री, x तो x डैश, y तो y डैश, ध्यान देना। अब हमको ये रिलेशन लाना है, बस तुरंत खत्म हो गए, अरे वाह वाह, ध्यान दो, ये एक्स मान लेते हैं इसको और इसको वाई, वाई वाला तरफ वाई और एक्स वाला तरफ एक्स, चलो, और ये कर्ण एच मान लेते हैं, तो बताइए सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा याद करो ध्यान से, एकदम ध्यान से, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, थीटा को देखना है, थीटा को इस 90 माइनस थीटा को ऐसे ही छोड़ दो, उस 90 माइनस थीटा को अल्फा मान ले, अल्फा, अल्फा मानेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अल्फा बराबर 90 माइनस थीटा, चलो एकदम अच्छे से समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ओके। और अब बताइए कॉसिक 90 माइनस थीटा लाना है, यानी कॉसिक अल्फा, कॉसिक अल्फा, ध्यान देना वो जरा सा मजा आएगा, कॉसिक अल्फा, तो साइन अल्फा क्या होता, साइन थीटा लंब बटा, ध्यान देना कोण के सामने लंब होता है और 90 के सामने कर्ण होता है, ध्यान से समझिए एकदम आराम से, एक और प्रूफ कर रहे हैं उसके बाद सब ट्रिक से चलेगा, मजा आएगा, ध्यान देना, देखो ध्यान दो, प्रूफ से विश्वास हो जाएगा कि हाँ सर सच में कॉसेक का सेक ही रूप में बदलते हैं, ना कि कॉसेक का साइन रूप में बदलते हैं, माइंड इट, कॉसेक का सेक रूप में ही बदलता है, साइन रूप में नहीं बदलता है, यानी कहने का मतलब कि देखो सेक थीटा, ध्यान देना सेक थीटा तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, बोलो बोलो, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार, हुआ कि नहीं हुआ, और कॉसिक अल्फा, बोलो साइन अल्फा रहता तो साइन अल्फा मतलब इसको साइन थीटा मान लो ना, थीटा डैश मान लेते हैं कुछ भी, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, बोलो बोलो, लंब बटा कर्ण, साइन रहता तो लंब बटा कर्ण, लेकिन कॉसिक है तो कर्ण बटा लंब, यानी कॉसिक अल्फा, देखो साइन अल्फा अगर रहता साइन अल्फा तो लंब बटा कर्ण आता, बोलो बोलो, लेकिन कॉसेक अल्फा है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, जल्दी बोलो, और कॉसेक अल्फा के जगह लिख दे 90 माइनस थीटा बराबर एच बाई एक्स,
बोलो बोलो, आप तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ध्यान दो बच्चों, पहले एकदम आराम से इसको समझिए, नो टेंशन। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इसको इक्वेशन मान लिए टू, इसको मान लिए समीकरण दो। बताओ तो आर एच एस इक्वल आ गया, आ गया। तो यहां हम लिख दें कि समीकरण एक और दो से, बोलो बोलो, अरे बोलो, देखो तो ध्यान देना, तो समीकरण एक और दो से ध्यान देना, तो यहां पर आ गया एच वाई एक्स और यहां भी एच वाई एक्स, यानी एल एच एस बराबर हो गया, यानी कि कॉसिक, कॉसिक अल्फा, तो कॉसिक अल्फा, अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा। तो बताओ आर एच एस इक्वल तो एल एच एस इक्वल आ गया, यानी कि कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सिक थीटा, यानी यहां पर प्लस छुपा हुआ है, कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर प्लस सिक थीटा। सच में सर आ गया, वही आ गया सर, सच में सर वही आ गया। चलो फिर से रिवाइज इसको करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बाकी में ट्रिक लगाएंगे, यानी जो ट्रिक से आ रहा है वही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रूफ फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रूफ हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये बैठा रहता है कि सर कॉसिक का उल्टा तो साइन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन कॉट में बदल गया, कॉट टेन में बदल गया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन साइन कॉस में और कॉस साइन में क्यों बदल रहा है, सेक कॉसिक में, कॉसिक सेक में, क्यों ऐसा हो रहा है सर? यही बात हमारे भेजे में नहीं जा रहा है ना। तो ये इसलिए क्योंकि प्रूफ से आपके सामने आया, देखिए कि कॉस थीटा आधार बटा कर्म, बोलो बोलो, चलो लास्ट इक्वेशन ध्यान से सुनना, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी एक्स बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार। एक बात क्लियर हो ना, थीटा के सामने लंब होता है ये आधार है, 90 के सामने कर्ण है, एक बात क्लियर हो ना, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, क्लियर। और साइन अल्फा रहता तो साइन अल्फा, तो अल्फा के सामने लंब, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन अल्फा तो एक्स बटा एच, तो कॉसेक अल्फा तो एच बटा एक्स, ये भी क्लियर हो गया होगा। साइन अल्फा लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक अल्फा कर्ण बटा लंब, और यही कॉसेक को यहां अल्फा की जगह रख दिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोनों का योगफल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यानी अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, नहीं आया, नहीं आया, आया दोनों का योगफल 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर 90 माइनस थीटा, आया कि नहीं आया? अब देखो तो कॉसेक अल्फा एच बटा एक्स, तो बताइए आर एच एस बराबर, तो एल एच एस बराबर, तो एल एच एस बराबर, या कहो यहां पर एल एच एस बराबर, तो प्लस चिन्ह यहां छुपा रहता है, तो कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर प्लस सिक थीटा, आया कि नहीं आया? विश्वास हो गया? ये हुआ प्रूफ। लेकिन बार बार हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, अब मेन कहानी स्टार्ट होता है बच्चों। अब ध्यान देना, एकदम ठीक से बताने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी, तो ठीक से तो बताते ही आ रहे हैं, लेकिन अब जितना सारा चलेगा सब ठीक से, सबका प्रूफ होता है, लेकिन अब प्रूफ करके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको विश्वास दिला दिए कि लीजिए सब प्रूफ हो सकता है, और कौसे का सेक रूप में बदलता है, कौसे का साइन रूप में नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। चलो प्रूफ तो हम लोग कर लिए, अब आते हैं टाइप थ्री, देखना ध्यान देते जाना, मजा आएगा, बस ये बात याद रखो, बाकी हम तुम्हारे माइंड में सेट करा देंगे तुरंत। यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो आइए टाइप थ्री में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस वाला तो हो गया है, प्लस में अब चलते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, और साइन कॉस टेन कॉट सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा।
देखा जाए बच्चों, ध्यान से सुना जाए और समझा जाए। साइन 90 प्लस थीटा, अब आप ही बताइए यहां तक 90 होता है तो इसमें एंट्री मार दिए तो 90 प्लस हो गया। अब ट्रिक पर चलेगा, दो ट्रिक, दो बात खाली याद रखना है, सिर्फ दो बात बस हो गया। तो 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा यानी कि द्वितीय पद, और द्वितीय पद में देखा जाए तो कौन कौन पॉजिटिव, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यानी द्वितीय पद में साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, तो बाकी चारों निगेटिव निगेटिव। अरे बोलो बोलो, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो चतुर्थ पाद सॉरी द्वितीय पाद का, क्योंकि 90 में कुछ जुटेगा, 90 में कुछ ऐड होगा, तो 90 में कुछ ऐड होने के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, तो द्वितीय पाद में, और द्वितीय पाद में साइन और कौशिक क्या होता है तो धनात्मक होता है, तो साइन और कौशिक धनात्मक बाकी ऋणात्मक, क्योंकि हमको देखना है पहले गेहूं, गेहूं डालेंगे तब ना आटा मिलेगा, ना कि इधर देखने लगना साइन कॉस को, नहीं हमको इनपुट साइड देखना है साइन कॉस को, इस बात पे गौर करना है। अब देखो बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा चल रहा है, साइन और कौशिक प्लस हो गया, इनपुट साइड देखना है कि साइन और कौशिक है, इधर नहीं देखना है साइन कौशिक, इधर देखना है साइन कौशिक, माइंड इट। और अब देखो साइन, साइन ध्यान देना, तो 90 है, तो 90 जब रहेगा या 270 यानी 9 और 27 तो चेंज होगा, यानी चेंज तो बता दिया तरीका कि साइन का चेंज कॉस होता है, कॉस का चेंज साइन होता है, टेन का चेंज कॉट होता है, कॉट का चेंज टेन होता है, सेक का चेंज कॉसिक होता है, और कॉसिक का चेंज सेक होता है। अब देखो यहां से 90 के बाद भी आप मान निकालना सीख लिए, क्या कंफ्यूजन होगा, 90 के मान भी, 90 के बाद भी मान निकल गया कि नहीं निकला, निकला। ध्यान देना, दो बात याद रखना है कि 90 प्लस थीटा मतलब द्वितीय पाद, 90 प्लस थीटा मतलब द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद में साइन और कॉसेक प्लस, यानी इधर देखेंगे, देखो इधर साइन और कॉसेक देखोगे तो प्लस है माइनस है। आटा नहीं देखना है पहले, पहले गेहूं देखना है, गेहूं डालेंगे नहीं डालेंगे, गेहूं डाले ही नहीं है, इंतजार कर रहे हैं, आटा गेहूं नहीं डाले है ना, ऐसे नहीं, तो पहले गेहूं, ओके तो बताइए कि साइन और कौशिक, तो साइन और कौशिक सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस है कि नहीं है, जो तुमको पता है उसी पे तो चल रहे हैं, साइन और कौशिक सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, यहां देखना है साइन और कौशिक बोला, और बाकी चारों नेगेटिव, अच्छी बात है, और 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट काम खत्म। और एक बात और क्या याद रखना है, दो बात याद रखना है, पहला क्या कि 90 प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, और बाकी चारों नेगेटिव, और 90 है तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यानी कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक हो जाएगा, और ये बात आपको तुरंत क्लियर हो गया होगा। और इसी से देखो मान निकालने जा रहे हैं, कॉस 120 का बहुत बार यूज आएगा, इसी पे एग्जांपल ले ले रहे हैं कॉस 120 डिग्री का। देखो यहां से देखो, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा है कि नहीं है बोल दो, है कि नहीं है बोल दो, तो कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ, अब बताओ कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां से थोड़ा दिमाग में स्ट्राइक करो, अच्छा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, अच्छा कॉस 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 है माइनस हो गया है ना, और 90 है 9 है यानी कॉस तो चेंज होगा साइन हो गया, तो लास्ट में तो एकदम हिस्सा रिविजन करवाएंगे कि पानी पानी हो जाएगा, ठीक है ना, तो बताइए कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन और कॉसेक प्लस होता है लेकिन बाकी नेगेटिव, तो कॉस माइनस में, और 90 है तो चेंज हो गया, कॉस का साइन हो गया, अब बताइए यहां पे कितना रखेंगे कि 120 आएगा, तो कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री रखेंगे तो 120 आ जाएगा,
तो यहाँ पर थीटा के जगह 30 रखें तो यहाँ भी थीटा के जगह 30 रख देंगे। देखो ना कितना आसानी से आ रहा है बच्चों, कॉस 120 डिग्री का मान निकालना कितना आसान हो गया। देखिए कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो कॉस 90 प्लस कितना रखेंगे कि 120 आएगा, तो कॉस 90 प्लस 30 रखेंगे तो 120 आएगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह 30 रखे तो यहाँ भी थीटा की जगह 30 रखेंगे, तो बताइए कितना गया। कॉस 120 डिग्री बराबर माइनस साइन 30 का मान 1/2। यानी कि एक एक मान अभी हम लेके आपको सिखा रहे हैं कि लगेगा कि हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है अच्छे से। तो बताइए दो बात ध्यान में रखना है, थोड़ा टाइम ज्यादा जाए तो जाए लेकिन अच्छे से सीखो, कि दो बात क्या ध्यान में रखना है कि 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और द्वितीय पद में साइन और कॉसेक प्लस होता है। देखो साइन और कॉसेक प्लस होता है और बाकी माइनस होता है, क्लियर होगा। और एक बात क्या कि 90 है तो चेंज साइन का कॉस, कॉस का साइन, अरे बोलो। और एग्जांपल ले लिए, यहां से उठा लिए क्योंकि बहुत अक्सर आता है यूज में सेकंड चैप्टर में सदी सदी में, है ना, तो इसीलिए हम जान गए। बताइए कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे 30 रखेंगे तो कॉस 120 आ जाएगा, तो यहां भी थीटा की जगह 30 रखेंगे तो कॉस 120 बराबर माइनस 1/2 साइन 30। देखे ना, तो मान आराम से निकल गया कॉस 120 का। आप टेंथ में 90 तक पढ़े थे, टेंथ में 90 डिग्री तक मान आप पढ़े थे निकालने के लिए, लेकिन अब आप कोई भी मान आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं, जल्दी जल्दी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट 90 प्लस हो गया तो 90 प्लस थीटा करो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, द्वितीय पद में जाओगे, या 180 माइनस करो। देखो 90 प्लस करो या 180 माइनस करो तो भी द्वितीय पद में, यानी टाइप नंबर कौन सा 4 जो भी हो, पहला था माइनस थीटा वाला, दूसरा था 90 माइनस, तीसरा 90 प्लस, चौथा हो गया 180 माइनस, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो तो ध्यान देना, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। इतना बता देंगे, बाकी आपको बोलेंगे कि आप कीजिए और तुरंत अगले लेक्चर में उसको लेके आ जाएंगे। बाकी रिमेनिंग पार्ट को ज्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं बाबू कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पानी पानी हो जा रहा, तुम आराम से बना सको, कोई भी लेके चलोगे एकदम तुरंत क्लियर, है ना, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए अगले में इसको और, लेकिन तुम आराम से बना सकते हो, उतना हम बता दे रहे हैं कि तुम सब सोच सकते हो बस। अब देखो ना, यही सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो फिर से साइन और कॉसेक में पॉजिटिव लगाएंगे, इनपुट को देखेंगे, किसको, इनपुट को। तो बताइए साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव, बोला मजा आएगा, ध्यान दो। बताओ बच्चों साइन 180 माइनस थीटा, तो 90 प्लस थीटा करो, यहां से 90 यहां तक है, 90 प्लस करो या 180 माइनस करो, क्योंकि यहां से यहां तक 90, तो 90 प्लस करो या यहां से यहां तक 180, तो 180 माइनस करो तो द्वितीय पद में, और द्वितीय पद में अगर देखा जाए बच्चों तो साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी चारो माइनस। एक बात तो क्लियर हो गया, दूसरा बात क्या, 180 है तो नो चेंज, 180 है तो नो चेंज, तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, टेन है तो टेन ही रह जाएगा,
कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा, सेक है तो सेक ही रह जाएगा, कौशिक है तो कौशिक ही। अरे वाह, दो बात, इनपुट को देखना है चिन्ह के लिए, चिन्ह के लिए इनपुट को, अभी इसको मत देखो, इसको मत देखो, अभी चिन्ह के लिए सिर्फ किसको देखो, इनपुट को देखो। ओके, तो बताइए बच्चों कि साइन और कौशिक होता है द्वितीय पाद में धनात्मक और बाकी चारों ऋणात्मक। बढ़िया बढ़िया। और अब देखो, ध्यान देना, 180 है तो नो चेंज, नो चेंज, क्लियर। तो अब बताइए, 180 है तो नो चेंज, यानी कि साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, टेन तो टेन, कॉट तो कॉट, सेक तो सेक, कॉसेक तो कॉसेक, होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। अब देखो इस पे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सेम टू सेम, कॉस वाला ही, कॉस 120 वाला ही, इस पर ही बना के दिखाते हैं आपको, फील आएगा एकदम, कॉस 120 डिग्री, तो फील आना चाहिए, फील। तो बताइए इसी को लेकर चल दो, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, बोलो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, क्या लिख देते हैं। चलो अब क्या यहां पे रखा जाएगा थीटा के जगह की 120 आ जाएगा, तो तुम सोचो, आराम से सोच सकते हो, 180 डिग्री माइनस क्या रखें, बोलो बोलो, 180 डिग्री माइनस क्या रखें कि 120 आएगा, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 नहीं आ गया, तो बताओ माइनस कॉस कितना, बोलो कितना, बोलो माइनस कॉस, यहां थीटा 60 रखें तो यहां भी थीटा 60 रखेंगे, अब बताओ माइनस कॉस कितना डिग्री आ गया, कॉस 120 डिग्री बराबर माइनस कॉस 60 1/2। देखो तो कॉस 120 का मान उसमें भी माइनस 1/2 आया था, देखना तो आया था, कैसे भी सोचो बाबू वहीं पे आके रुकोगे, है ना, कैसा भी रास्ता हो मंजिल एक होना चाहिए। ओके, तो बताइए बच्चों कि पहला बात ये कि साइन और कॉसिक द्वितीय पाद में प्लस होता है और बाकी माइनस होता है, तो बाकी माइनस हो गया, और 180 है तो नो चेंज, सब ऐसे कैसे। ओके, और एक बात ध्यान में रखना है कि कॉस 120 डिग्री, तो जब कॉस 120 डिग्री का हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा वाला ये लेके चल रही है, तो माइनस कॉस थीटा आया कि नहीं आया, अब यहां पे क्या रखेंगे कि 120 आ जाएगा, तो कॉस 180 माइनस 60 रखेंगे तो बराबर माइनस कॉस 60, यानी थीटा के जगह यहां 60 तो यहां भी 60, तो बताइए कॉस 120 आ गया, 180 माइनस 60 120 बराबर माइनस कॉस 60 1/2 आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, अरे बोलो, इसके बाद आराम से तुम आगे बना सकते हो, लेकिन फिर भी हम एक आध और लेके चले, चलो एक और लेके चले बाकी और अगले लेक्चर में, क्योंकि आप आराम से ला सकते हैं, कोई भी है ना, आराम से ला लोगे, कोई टेंशन नहीं, बस दो बात ध्यान में रखना है कि किस पाद में है और चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो बात इसलिए दे रहे हैं आपको होमवर्क, आप बनाइएगा तो अगले लेक्चर में बताएंगे तो पूरा का पूरा एकदम 100% क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं, टाइप फाइव, जल्दी टाइप फाइव, बस ऐसे ही सोचना है बाबू, आराम से तुम सोच सकते हो, इतना समझदार तुमको हम अभी जस्ट बना दिए हैं, तो टाइप नंबर फाइव। ओके, तो देखो यहां पर अब हम ले लेते हैं 180, अब 180 माइनस था तो सेकंड क्वाड्रेंट में थे, तो 180 प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, यानी 180 प्लस लेके चल देते हैं, ओहो क्या बात है, और 270 360 वाला तुम्हारा होमवर्क है, हम अगले दिन बताएंगे, लेकिन तुम्हारा होमवर्क है ये। देखो बच्चों, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, अब आप ही बताइए कि 180 यहां तक होता है, यहां से यहां तक चलते हैं, 180 में कुछ जुटेगा तो तृतीय पाद में, और तृतीय पाद में कौन कौन प्लस, टेन कट, अरे वाह, 6
saying that God was a positive. Okay? एक्सवासी प्लस है, सोचो रटना नहीं है, रटोगे तो नहीं होगा इसमें, रटोगे तो नहीं होगा, बताओ। एक्सवासी प्लस है तो यहां से जब चलते हैं यहां तक तो 180 हो जाता है, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, और 180 प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर हुआ? तो 180 प्लस में थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या? तृतीय पाद, इतना तो बुझाता होगा, बहुत बार बोले हैं, तृतीय पाद में टैन और कॉट प्लस होता है और बाकी क्या हो जाएगा? माइनस। ये तो क्लियर हो गया, पहली इस बार को क्लियर करो अच्छे से, बाकी खत्म, बाकी आगे बनाना है तुमको। 270 माइनस, 270 प्लस, 360 माइनस, 360 प्लस, और फिर एन इंटू 360 प्लस थीटा वाला। तो ध्यान दो, ध्यान दो। बताओ बच्चों, यहां से अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि उतना तक बता दे रहे हैं आपको कि सोचने का क्षमता डेवलप हो जाए और जल्दी हो जाता, लेकिन हम प्रूफ करने लगे इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। तो आपको हम बोले हैं कि बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन टाइम देना होगा, ठीक है ना? तो बताओ पहला नंबर क्या सोचना है कि 180 प्लस थीटा मतलब तृतीय पाद, और तृतीय पाद में टेन कॉट पॉजिटिव, तृतीय पाद में टेन और कॉट प्लस, और बाकी चारों माइनस। और अब बताओ 180 है, नो चेंज, 180 है, नो चेंज। तो बताइए नो चेंज यानी यहां से बताओ साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा, कॉट का कॉट ही रह जाएगा, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। हो गया, हो गया। यानी अब आपको इतना क्षमता डेवलप हो चुका है सोचने का कि आप आराम से, इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं, इसी में आज भी बता सकते हैं, लेकिन लेक्चर भी बड़ा हो जाता है, वही बात है। और दूसरा नंबर, आप इतना के बाद आराम से 270 माइनस, 270 प्लस, क्योंकि 270 माइनस तो 270 यहां हो गया, 90 90 180 180 90 270, तो 270 से पहले यानी 270 माइनस थीटा, अगला स्टेप चलेगा 270 माइनस थीटा, और इसमें फिर से लेके चलेंगे टेन कॉट पॉजिटिव और बाकी निगेटिव, और 270 में चेंज हो जाएगा। अरे आराम से तुम सोच सकते हो, बस कह दिए फिनिश, क्लियर? तो पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि 180 प्लस यानी तृतीय पाद में, तो तृतीय पाद में टेन कॉट पॉजिटिव, इधर देखना है गेहूं इनपुट साइड, तब ना टन आउटपुट, तो बताओ टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव, अच्छी बात है। और 180 में नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो आगे का 180 वाला हो गया, 90 वाला 180 वाला हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। बस दो बात ध्यान में रखना है, क्या क्या? कि अगर 270 माइनस है तो तृतीय में आ जाएगा, देखो 270 है, 90 90 90 270, तो 270 में से थोड़ा सा यानी माइनस थीटा घटाओ तो तृतीय पाद में, तृतीय पाद में टेन कॉट पॉजिटिव, और 270 है तो चेंज हो जाएगा, बोलो मैं यार, यानी 270 में चेंज होगा और 360 में नो चेंज होगा। बनाइए और जब बताएंगे तो मिलाइएगा कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया है, ये आपका होमवर्क रहा। 270 माइनस 270 प्लस, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और एन गुना 360 प्लस थीटा, ये भी देखना है। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।